अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूँ तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है, इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे, उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनकी हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं, तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं, उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व तो इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूँ कि एक नया नेतृत्व तो समय रहते और आगे उभरा है।